अब्दुल्ला पठान कस्बा कुंदर की जिला मुरादाबाद। मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं WWE चैंपियन बनूं, लेकिन घर वाले चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं क्योंकि मेरे घर में सारे भाई सरकारी नौकर हैं। हमारे भाई जो हैं अब्दुल्ला पठान, ये जो हैं सिविल इंजीनियर हैं। माँ बाप ने जो इनको और बड़े भाई ने जो सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा कराया, वो इसलिए कराया था कि ये किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में जॉब करें और अच्छी जॉब से अच्छी तनख्वाह पाएं। लेकिन ये इस तरह के काम करते थे तो मतलब हमको ये चीज़ पसंद नहीं थी। जैसा कि मैं भी टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ, तो पहला मकसद यही होगा आसानी से पैसे कमा सके आदमी, देश की सेवा कर सके। मेरे स्ट्रगल की शुरुआत हुई जब मैं दिल्ली गया। वहाँ पर मैंने सब स्टेडियम में गया, ढूंढा सब में ओपन चैलेंज फाइट, लेकिन कहीं नहीं मिली, वो सारी गुप्त होती हैं। बीच में मैं चाहता था जॉब करूँगा, सुबह शाम एक्सरसाइज करूँगा यानी कि रेसलिंग करूँगा, लेकिन साइट नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि थक जाता था मैं, तो रेसलिंग नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा कि मैं घर पर ही रह कर तैयारी करता हूँ। तो मैंने 2018 का पूरा एक साल मांगा कि मैं आपकी मर्जी से इंजीनियर बना, बहुत पैसा खर्च किया आपका मैंने, अब मैं ये चाहता हूँ कि एक साल मुझे दे दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ मत दो, मैं कुछ एक साल के बाद जो बोलोगे वो करूँगा मैं। तो फिर मैंने हेल्थ केयर सेंटर खोला अपना, देसी दवाइयों का। मैंने घर वालों की खुशी के लिए अपना हेल्थ केयर सेंटर तो खोल लिया, लेकिन मुझे अपना WWE वाला सपना पूरा करना था। मैं स्ट्रगल करता गया, घर वालों से छुप छुप कर भी एक्सरसाइज की है मैंने, जहाँ टाइम मिला रात में कभी भी एक्सरसाइज की, बंद कमरे में भी एक्सरसाइज की है मैंने। फिर मेरी ज़िंदगी में वीमेट आया। मैं YouTube पर फिटनेस की वीडियो देखता रहता था, फिर एक दिन मैंने वीमेट की ऐड देखी जो कि फिटनेस की वीडियो थी। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी अपने वीडियो वीमेट पर डालूं, और मुझे उससे अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। मैंने वीमेट पर सबसे पहला वीडियो नारियल का डाला था, नारियल दीवारों पर लटके हुए थे और मैं तोड़ रहा था। और फिर ईंटों का, फिर मैंने ट्राला उठाया कंधे पर, ये सब सिखाया मेरे भाई अब्दुल खालिक साहब ने। मैंने ये देखा कि फिटनेस में तो ये है ही, लेकिन ये हाथ पैर से मजबूत है बाकी आम आदमियों से, तो मैंने इसी चीज में इसे करना चाहा। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ जिस्मानी शो की बात है, उसका इतनी यूटिलिटी नहीं है, खाली सिर्फ दिखावा है इसमें। और फिटनेस से या सेल्फ डिफेंस की चीज़ें सीखने, तो ये है कि उसका कोई यूटिलिटी है और दूसरों को सिखा सकता है, उससे उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। आस पड़ोस के लोगों ने मेरी वीडियो वीमेट पर देखी और मेरे घर आने लगे अपनी फिटनेस की सलाह लेने। ये चीज़ देखकर मेरे घर वालों को मुझ पर फख्र हुआ और उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो मेरी सपोर्ट करने लगे। इन्होंने जो एक साल का वक्त मांगा, उसमें जो इन्होंने दिखाना था उससे और प्लस में करके दिखाया। फिर हमने सोचा छोड़ो, अब इनको यही करियर बनाने दो, और अब इसी को ही अपना करियर बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा नाम हसन है। मेरा नाम अयान है। हम दोनों अब्दुल्ला पठान साहब के चेले हैं। मैं ओरिजिनल वाला हूँ। हम दोनों ही अब्दुल्ला पठान साहब की सारी वीडियो शूट करते हैं। खड़े क्यों? अरे तेज करो। मैं वीमेट से हर महीने 2 लाख रुपए कमाता हूं, और उससे भी ज़्यादा हैं मेरे 7 लाख फॉलोअर जिन्हें मैं अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इसे थोड़ा ऐसे करके लाओ यार। हमारे देश का युवा अपनी लाइफ स्टाइल से ही अपनी हेल्थ बिगाड़ रहा है, तो मैं चाहता हूं हर युवा से कि अच्छा खाए, हेल्दी खाए, हेल्दी रहे और फिट रहे, एक्सरसाइज करे। ये देखो आज पत्थर तोड़ के दिखाएगा नासी। और ये मैसेज पहुँचाने के लिए वीमेट से अच्छा कोई जरिया मेरे को दिखाई नहीं दिया आज तक। वो मुरादाबाद का महाबली है। वीमेट से मेरे को शोहरत भी मिली और पैसा भी, लेकिन मेरे लिए शोहरत ज्यादा मायने रखती है। अब्दुल्ला, you're the strongest. I choose you. वीमेट विनर बनाऊं, मिस्टर वीमेट। और सनी लियोनी के साथ मैंने डिनर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, वो मेरी जिंदगी का खास दिन था। थैंक यू वीमेट, थैंक यू सनी। मैं सबसे ज्यादा जब अच्छा फील करूंगा जब मेरा भाई तिरंगे के लिए कुछ करेगा। हाँ, मैं यही चाहूंगा, तिरंगे की इज्जत बढ़ाइए। अब्दुल्ला का बचपन का सपना आज एक जुनून बन चुका है। इनकी हर रोज की कड़ी मेहनत का मकसद ही यही है। हम उम्मीद करते हैं उन्हें एक ऐसा मार्गदर्शक मिले
जो अब्दुल्ला को WWE में भारत का प्रतिनिधि बना सके।